रहने का। भाई एक फिल्म आई थी स्टाइल, जिसका ये गाना बड़ा मशहूर हुआ था, लेकिन उस फिल्म के एक्टर साहिल खान के लिए कहा जा सकता है कंट्रोवर्सीज में रहने का। टाइगर श्रॉफ की मम्मी आयशा श्रॉफ से कंट्रोवर्सी, सलमान खान से कंट्रोवर्सी, शाहरुख खान से कंट्रोवर्सी, मतलब कंट्रोवर्सी ही कंट्रोवर्सी। एक बार फिर से साहिल खान कंट्रोवर्सी में फंसे हैं। साहिल खान है कौन, क्या कुछ किया है, ये बताऊंगा आपको, लेकिन पहले जान लीजिए इस बार क्या कंट्रोवर्सी है। मिस्टर इंडिया रह चुके मनोज पाटिल ने आरोप लगाया है कि साहिल खान ने उन्हें खुदकुशी करने के लिए उकसाया और उनकी वजह से उन्होंने खुदकुशी की कोशिश की। फिलहाल वो कूपर अस्पताल में एडमिट हैं। साल 2016 में मनोज पाटिल ने मिस्टर इंडिया का खिताब जीता था और मनोज का कहना है कि इन दिनों वो मिस्टर ओलंपिया कॉन्टेस्ट में जाने की कोशिश कर रहे हैं। साहिल खान भी इसी कोशिश में लगे हुए हैं और इसीलिए वो उन्हें लगातार परेशान कर रहे हैं। अपने सोशल मीडिया पर मनोज ने वीडियो और ऑडियो भी जारी किया। खैर, साहिल खान के बारे में आपको बताते हैं कि भैया साहिल खान हैं कौन। देखिए, फिलहाल तो वो एक बॉडी बिल्डर कह सकते हैं आप, यूट्यूब चैनल चलाते हैं और फिटनेस एक्सपर्ट के तौर पर वो खुद को प्रेजेंट करते हैं, फिटनेस इन्फ्लुएंसर आप उन्हें कह सकते हैं। उन्होंने एक म्यूजिक वीडियो से अपने करियर की शुरुआत की थी, नचांगे सारी रात। उसके बाद 2001 में उनकी फिल्म आई स्टाइल शर्मन जोशी के साथ, जो काफी चर्चा में रही। फिर 2003 में फिल्म आई एक्सक्यूज मी, इसके बाद ये है जिंदगी, डबल क्रॉस, फिर 2009 में आई अलादीन और 2010 में आई रामा द सेवियर। इसके बाद साहिल खान को समझ में आ गया कि उन्हें देखकर दर्शक यही कहते हैं कि हमें भी कोई सेवियर आकर साहिल खान की फिल्मों से सेव कर ले। वो समझ गए कि भाई फिल्मों में दाल गलने वाली है नहीं, तो फिटनेस वाला जो अपना बिजनेस था उसी को आगे बढ़ाया। आयशा श्रॉफ, जैकी श्रॉफ की पत्नी, टाइगर श्रॉफ की मम्मी, उनके साथ इन्होंने एक प्रोडक्शन कंपनी शुरू की। उसी दौरान खबरें आई कि भाई आयशा श्रॉफ से इनका अफेयर है, इनकी दोस्ती बढ़ गई है, लेकिन फिर खटपट हुई। आयशा श्रॉफ ने इन पर पैसों की धोखाधड़ी का इल्जाम लगाया, कोर्ट में केस ठोक दिया, FIR करवा दी, कोर्ट तक बात पहुंची। साहिल खान का कहना था कि भैया ये तो मुझसे वो पैसे मांग रही हैं जो रिलेशनशिप के दौरान इन्होंने मेरे ऊपर खर्च किए थे। आयशा ने यह भी इल्जाम लगाया कि साहिल खान का उनकी पत्नी से इसलिए तलाक हो गया क्योंकि वो गे हैं, उनकी पत्नी ने उन्हें किसी लड़के के साथ आपत्तिजनक हालत में देख लिया था। खैर, फिलहाल इनका जो केस है वो रद्द हो गया है क्योंकि दोनों पार्टीज के बीच में हो गया है समझौता। अब साहिल खान का सलमान खान और शाहरुख खान से क्या कनेक्शन रहा, कनेक्शन का मतलब यहां कंट्रोवर्सी समझिए। साल 2001 में जब इनकी फिल्म स्टाइल आई थी तो स्टारडस्ट मैगजीन के कवर पे साहिल खान की फोटो आई थी, साथ में शाहरुख खान भी थे और सलमान खान भी थे। फिर साहिल खान ने कहा था कि इन दोनों में से कोई एक खान मुझे अपने साथ देखकर जो है ना बड़ा ऑफेंड हो गया था, नाराज हो गया था। नाम नहीं लिया उन्होंने, नाम कैसे पता चला ये भी बताते हैं। उन्होंने कहा कि भाई ये जो खान है ये मुझे साइड रोल्स ऑफर करने लगा, मुझे टीवी में काम ऑफर करने लगा, मतलब वो ये नहीं चाहता था कि मैं बड़ा स्टार बनूं, मेरे करियर में रोड़ा बन के खड़ा हो गया। फिर लोगों ने गेस किया कि ये खान सलमान खान ही हो सकते हैं क्योंकि जब सुशांत की मौत हुई तो इन्होंने लिखा कि अब इनका सच्चा और असली चेहरा सामने आ गया है। और सुशांत की मौत के बाद कहीं ना कहीं सलमान खान ही विवादों में आए थे, तो यही माना गया कि ये निशाना सलमान खान पर साध रहे थे। अब सलमान खान इनके करियर को क्यों खराब करेंगे, इस सवाल का जवाब तो भाई साहिल खान ही दे सकते हैं, लेकिन साहिल खान खुद आए दिन विवादों में रहते हैं, कोई ना कोई उन पर उन्हें परेशान करने का इल्जाम जो है वो लगाता रहता है और अब फिर से ये इल्जाम लगा है। इस मामले में आगे क्या कुछ होता है ये अपडेट हम आपको देते रहेंगे और फिलहाल तो साहिल खान के बारे में फिर से यही कहेंगे कि उनका फंडा शायद यही है कि कॉन्ट्रोवर्सीज में रहने का। ABP News आपको रखे आगे।